हम इंडियन आर्मी के बाप हैं, आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहेगा और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहते अपने दफ्तर जाएंगे। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर? इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्चे में, फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। 6-7 पुलिसकर्मी को बुलाया और मुझे निमस्त्र करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्चे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए। और सेना के कमांडो सीमा पर भले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं लेकिन अपने घर में पुलिस से हार जाते हैं। जयपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। शहर के सिपरापद थाने में पुलिस ने सेना के एक कमांडो को न सिर्फ निर्वस्त्र कर डंडों से पीटा बल्कि अपराधियों के बीच बैठाकर पुलिस कर्मियों ने कहा पुलिस भारतीय सेना की बाप है। इसकी शिकायत कमांडो ने जब सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ से की तो वे सोमवार को थाने पहुंचे और ACP संजय शर्मा को जमकर फटकार लगाई। राठौड़ ने खुद ये घटनाक्रम मीडिया को बताया। मंत्री राठौड़ ने थाने पहुंचकर पुलिस वालों से कमांडो के साथ मारपीट करने पर सवाल जवाब किए। इस दौरान पुलिस के कई वरिष्ठ अफसर भी पहुंच गए। राज्यवर्धन ने मोबाइल में पीड़ित के साथ मारपीट के सबूत दिखाए। इस पर ACP संजय शर्मा ने तर्क दिया कि कमांडो ने पुलिस कर्मियों को गाली दी और मुझे भी गाली दी है। फोन पे मेरे को गाली दे रहे थे। ऐसी बात तो नहीं है आपको गाली दी। बिल्कुल गाली तो बहुत ही छोटी चीज हो गई। इसी कंटेस्टिंग में ये कंटेस्ट करना चाहते हैं मेरे से? मैं यहाँ बहुत धैर्य से लगा हूँ बट संजय शर्मा कंटेस्ट करना चाहते हैं? नहीं सर, मेरा ये तो जब आपसे बात करी जाए तब आप बात करें, नहीं तो सावधान में खड़े रहेंगे और यहाँ नहीं खड़े रहना चाहते अपने दफ्तर जाएंगे। बेसिक मैनर्स आपने नहीं सीखे पुलिस के अंदर? या वर्दी का कोई अलग रॉब हो गया है? कोई धैर्य, कोई पेशेंस कुछ है? कोई जनता की सेवा मन में है या दादागिरी है? व्हाई डू यू पुट सच पीपल इन फ्रंट ऑफ मी? मैंने आपको फोन करा था, मैंने कहा बड़े आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है। आई नो ही वांट्स टू कंटेस्ट, उसको गाली दी या नहीं दी? अरे कहां भाड़ में जाए उसको गाली दी नहीं दी? इसको नंगा करके पूरी सेना में सर्विंग सोल्जर को नंगा। देखिए, बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया जहां एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहां जयपुर में किसी कारण आता है तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठा कर कुछ पुलिस कर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी है। मुझे राजस्थान पुलिस, क्योंकि मैं खुद वर्दी में रहा हूँ, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं, उस पर उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पर विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का धौंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये भी सरकार की जीरो टॉलरेंस में आता है कि चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन का दूसरा डिपार्टमेंट हो, कानून से काम करना, संविधान से काम करना ये जिम्मेदारी है। और पुलिस को जो पावर और ताकत मिली है वो देश के संविधान ने दिए, देश की सरकार ने दिए, तो जिम्मेदारी भी हो जाती है उसके साथ साथ। इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को मारा गया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर तस्वीरें जो हैं
वो देखी मैंने, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि असॉल्ट बाय पीपल, एक भारतीय सैनिक को 5-5 पुलिस कर्मियों ने पकड़ के मारा, वो भी बिना कानून के और बिना कारण के। तो इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों का जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। डीजी पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि एक सैनिक के लिए मुझे यहाँ आना जरूरी है जिसकी इस तरह से बेइज्जती हुई यहाँ पे, और पुलिस ने आश्वस्त कराया कि वो कार्रवाई करेंगे। दरअसल 11 अगस्त को सेना के कमांडो अरविंद अपने परिचित जवान के केस के सिलसिले में जानकारी लेने थाने गए थे। थाने में पुलिस वालों ने ठीक से व्यवहार नहीं किया, उन्होंने खुद के सेना में होने का परिचय दिया। आरोप है कि एसआई और पुलिसकर्मियों ने कमांडो को गालियां देते हुए पीटना शुरू कर दिया, हवालात में डालकर कपड़े उतार कर पीटा, कमांडो को जमकर जलील किया गया। कमांडो अभी बारामूला जम्मू कश्मीर में तैनात है। पीड़ित ने इसकी शिकायत सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से की। सेना के कमांडो से मारपीट पर मंत्री इतने नाराज हुए कि थाने परिसर में पहुंच गए। नमस्कार, मैं अरविंद सिंह, इंडियन आर्मी से। कल रात को मेरे साथ एक घटनाक्रम हुआ शिवरापत थाने में। क्योंकि पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से था, मेरा एक दोस्त था राजवीर शेखावत, जो नाइट में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया हुआ था वाइन क्लब में। वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है 11 तारीख को, और वहाँ से उसको पुलिस शिवरापत थाने में लेके आती है। वहाँ से उसके दोस्त का मेरे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे अपना दोस्त पकड़ा गया, तो मैं वहाँ पे थाने में जाता हूँ। थाने में जाने के बाद मेरे के परिचित हैं जो अननोन है, मैं उनकी बात करवाता हूँ। वहाँ पे थाना अधिकारी थे श्री बन्नालाल चौधरी जी। बन्नालाल चौधरी से मैंने पूछा कि भाई आपने किस कारणवश इनको आपने गिरफ्तार किया है, तो बन्नालाल चौधरी के द्वारा असंतोषजनक वाक्य मेरे द्वारा उनके द्वारा प्रयोग किए गए, मेरे को अभद्र भाषा का उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, और मेरे एक परिचित के फ़ोन करवाने के बाद उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। और फ़ोन को कट करने के बाद मैंने उनको बोला कि आपने ठीक नहीं कर रहे हो आप, ऐसा वर्ड बोलते ही उन्होंने 6-7 पुलिसकर्मी को बुलाया और मुझे निमस्त्र करके पहले मेरे कपड़े उतरवाए और फिर कच्छे में ले जा करके मेरे को उन्होंने रिमांड रूम में ले गए और 40 मिनट तक मेरे साथ रिमांड रूम किया। और उसके बाद मेरे को इंडियन आर्मी के प्रति गाली गलौज करने लगे, मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बुलवाने लगे सबके सामने कच्छे में ही, फिर मेरे को हवालात में डाल दिया उन्होंने। शाम को 5:30 बजे मेरी जमानत हुई थी, और मेरे को आपत्तिजनक वर्ड बोले थे कि तेरे से जो कर लेना, हम इंडियन आर्मी के बाप हैं, आपत्तिजनक मेरे से वर्डिंग करने लगे। तो मैं सोशल मीडिया से यही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, ये किसी अन्य फौजी भाई से या कोई भी सिविल पर्सन है उसके साथ भी ये नहीं होना चाहिए घटनाक्रम, क्योंकि ये तो मैं ही जान सकता हूँ कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि इस मामले में जिन्होंने मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया है, बन्नालाल जी और उनकी टीम ने जो वहाँ पे मौजूद थे बंदे, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो सस्पेंड किए। धन्यवाद। वहीं शिवरापत थाना CM भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में आता है। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के थाने में सैनिक कल्याण मंत्री के जाकर पुलिस वालों की क्लास लगाने के मामले के बाद सियासी चर्चा भी शुरू हो गई है। SI बन्नालाल ने बताया, अधिकारियों के निर्देशानुसार हुक्का बार पर कार्रवाई की गई थी, मुझे किसी को छोड़ने के आदेश नहीं थे, सिफारिश करने आए व्यक्ति ने रोब जताना शुरू कर दिया था, अभद्रता करने पर उसके खिलाफ भी रोज नामचे में रपट डालकर कार्रवाई की गई। मेरे जाने के बाद किन पुलिसकर्मियों से उसकी कहासुनी मारपीट हुई इस बारे में मुझे नहीं पता। वही इस मामले को लेकर वायरल हो रही ऑडियो भी सुने। मैं सब इंस्पेक्टर बन्नालाल बोल रहा हूँ, शिवरापत थाना जयपुर। हाँ फरमाइए। अरविंद सिंह क्या लगता है? अरे दोस्त ये भाई है, भाई है। ये यहाँ थाने में आया था और थाने में आके बड़ी बदतमीजी कर रहा था, इसको अरेस्ट किया है मैंने। और जी यही है कमांडो है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पागलपंती की है इसने, तो खुली छुट्टी की दी है मेरे को आते ही, ट्रांसफर कराने की, सस्पेंड कराने की। फिर क्या क्या किया ना? फिर मैंने बंद कर दिया इसको। क्यों करते हो यार महाराज, आप भी यार कुछ मतलब हम समझते हैं, लेकिन अब कोई आखिर इस टाइप से बदतमीजी करे, मैं सब इंस्पेक्टर फोर्स का आदमी है, इस टाइप से बात सुनो मत करो। देखो ठाकरे कर दिया, मैंने सूचना देने के लिए कॉल किया था आपको ना, आपने कर दिया, ये राजपूत जाट वाला मामला हो जाएगा, मेरी बात नहीं समझ रहे हो आप, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, आप जो
कोई दिक्कत कौन है? कोई दिक्कत कौन है साहब? कोई आप जातिवाद कर रहे हो? आप जातिवाद कर रहे हो? कैसे जातिवाद कर रहे हो? 100% नहीं नहीं हम कोई जातिवाद नहीं कह रहा हूँ। जातिवाद कर रहे हो? नहीं कोई जातिवाद क्या बात कर रहे हो? जातिवाद कर रहे हो आप? नहीं कोई जातिवाद करते हैं आप या कोई चौधरी करते हैं? नहीं नहीं गलत बोल रहे हो आप। आप जातिवाद कर रहे हो आप? नहीं नहीं कोई बंदा हुआ है छुड़ाने के लिए, कोई बंदा छुड़ाने के लिए है, कोई वाणी से मुझे कोई गलत बात दिख रही, कोई बात नहीं है छोटा भाई था, आपको माफ कर दो। सुनो सुनो, सुनो सुनो, ऐसे आप जातिवाद शब्द बोल के और क्राइम से बच नहीं सकते। क्राइम का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आप अभी जातिवाद कर रहे हो या कोई बंदा दूसरा आपका कोई भाई बंद होता आप कुछ नहीं करते। कोई बंदा आपको छोड़ रहे हैं उसको आप बंद कर रहे हो भाई। राष्ट्रीय गठित का महामंत्री गुजरात सिंह भाई आपके थाने पे घेरा करवा सकता हूँ इस बड़ी में। आप सर जो उचित लगे आपको वो करिए। आपके थाने पे घेरा करवा सकता हूँ 100% क्या बात करते हो आप? और क्या करेंगे आप? और क्या क्या करेंगे? हाँ मेरी बात समझो, आप जातिवाद कर रहे हो अभी भी। मैं कोई जातिवाद नहीं कर रहा हूं। छोटा भाई के नाते आपसे जो हो गई इसको तो थोड़ा बहुत कोई बार गलती होगी, छोटा भाई की तरफ माफ कर दी, बंद बंद ही कर दिया। बंद तो करना ही पड़ता है ना कोई, अगर कानून हाथ में लेता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपका कोई भाई होता रिश्तेदार होता उसको बंद करते क्या? बिल्कुल करते, अगर ऐसे बदतमीज होता। कुछ नहीं करते आप, जातिवाद कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कोई है भाई सुरेंद्र जी फोन नहीं उठा रहे डिप्टी साहब। मैं कह रहा हूँ देखो आप गलत कर रहे हो, अगर आप इसको बंद कर रहे हो ना मैं आपको आज बता रहा हूँ ये गलत कर रहे हो आप। क्या करेंगे? ये गलत कर रहे हो बंद कर रहे हो तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ? नहीं ये भी यही कह रहा था कि शाम तक सस्पेंड करा दूंगा। अरे सस्पेंड क्या, कौन कौन कर सकता है सस्पेंड? पुलिस प्रशासन के साथ रहने वाला आदमी को कोई सस्पेंड नहीं कर सकता। क्या बात करके कौन सस्पेंड करेगा आपको? नहीं इसने कहा है इसे आपको कौन सस्पेंड कर सकता है? बड़ी बात भी नहीं करा सकते। आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो वहाँ पे, आपका काम है ड्यूटी करने का, वहाँ पे सस्पेंड कराएगा? कैसी बात करते हो यार आप? सही है सही है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मेरी बात जल्दी बात मत करो और मेरी बात समझो। छोटे भाई आप छोटे भाई की तरह उसको छोड़ दो आप तो एक बार। तो ठीक है आपको निवेदन कर रहा हूँ मैं तो आपको। ठीक है ठीक।